जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कहानियां में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब जानेंगे कि वैशाख मास में मोहिनी एकादशी कब है और आप सब जानेंगे कि व्रत कब धारण किया जा रहा है और जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण का क्या समय होगा, पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। आप सभी भक्तों को मोहिनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वैशाख मास की मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के बाके बिहारी स्वरूप का पूजन करते हैं, तो इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। व्रत मोह बंधन तथा पापों से मुक्ति दिलाता है। सीता माता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत धारण कर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा इस व्रत को धारण करने से अनेकों गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त जन एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि दशमी के दिन से ही, व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी इन तीन दिनों तक शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी की रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निर्वृत होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगाजल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं मोहिनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाए। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के बांकी बिहारी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस दौरान एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ्या श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ्या श्रवण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण के बारे में। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 18 मई 2024 दिन शनिवार सुबह 11:24 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 19 मई 2024 दिन रविवार दोपहर 1:01 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 19 मई 2024 दिन रविवार को व्रत को धारण करेंगे। व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त होने की बात करना चाहिए। हरिभासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 20 मई 2024 दिन सोमवार को शाम 4 बजे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो सभी भक्तजन व्रत का पारण, जो कि 20 मई सोमवार के दिन करेंगे, पारण का समय सुबह 5:01 से सुबह 8:01 तक व्रत का पारण किया जाएगा। मोहिनी एकादशी व्रत का पारण, जो कि कुशोक पारम यानी कि कुशा के जल से व्रत का पारण किया जाएगा, यह संभव न हो पाए तो आप तुलसी दल जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:01 और सूर्यास्त शाम 6:38। ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:05 से सुबह 4:47 तक रहेगा। एकादशी तिथि के दिन योग, जो कि 19 मई को इस दिन बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है, इस दिन वज्र योग होगा सुबह 11:02 तक। उसके बाद सिद्धि योग, इस दिन सर्वार सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और द्विपुष्कर योग बन रहा है,
सर्वार सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग, जो कि एकादशी तिथि के दिन 19 मई को सुबह 5:28 से रात्रि 3:01 तक होगा, और द्विपुष्कर योग जो कि सुबह 3:01 से शुरू है और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी कि 20 मई की सुबह 5:02 पे द्विपुष्कर योग समाप्त होगा। तो इस बार एकादशी तिथि के दिन बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है, तो इस दिन मृत्यु को धारण करना जो कि अनंत फलदायी होगा। 19 मई को राहु काल का समय शाम 4:57 से शाम 6:38 तक होगा, और 20 मई को राहु काल का समय सुबह 6:51 से सुबह 8:32 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हें स्तीन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के बांकी बिहारी स्वरूप का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन गंध पुष्प, धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, नैवेद्य में विशेष प्रकार से दूध से बने हुए वस्तु का भगवान को भोग लगाएं। जो भी मौसम में ऋतु फल मिल पाए उसका भगवान को भोग लगाना चाहिए, और जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी पत्र डाल करके ही भगवान को भोग लगाना चाहिए। व्रत के दौरान वृत्ति को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए, भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का जप करना चाहिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के सभी प्रकार के पाप ताप को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं, उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि के दिन रात्रि उपवास रहते हुए वृत्त को धारण करना चाहिए। जो भी भक्तजन उपवास नहीं रह पाते हो, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके वृत्त को धारण करें। फलों में अमृत फलों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपका अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए, प्रत्येक पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण।